हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पीटी एग्ज़ाम मास्टर। आज का नया प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ए ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में या डी वैशाली में। ऑप्शन फिर से एक बार देख लीजिए, ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में या फिर डी वैशाली में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश जो है वो दिया था कहाँ पे, वो दिया था उन्होंने सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ए आजीवक, बी मैमत, सी मत मयूर या फिर डी ईशान शिव गुरुदेव पढ़ती। इसमें से कौन थे प्राचीन भारत के में शैव संप्रदाय? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी मत मयूर जो थे वो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय का थे। ठीक ना, मत मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीवाने कोही किससे संबंधित है। दीवाने कोही किससे संबंधित है। अब आपके पास ऑप्शन है, ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन है, दीवाने कोही किससे संबंधित है। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो मोहम्मद तुगलक जो है वो दीवान कोही से संबंधित है। कौन? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगाली। ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगाली। तो कौन थे जो सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों डी पुर्तगाली जो है वो सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। कौन? पुर्तगालियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ए ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, बी ऑप्शन है पील आयोग, सी ऑप्शन है हंटर आयोग या फिर डी ऑप्शन है सैमन कमीशन। आप लोग इसका आंसर बताइए। कह रहा है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको पील आयोग। कौन सा? पील आयोग जो था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, पील आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन अब मिलेगा, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। मतलब बोला जा रहा है कि कौन सा नहर है जो दामोदर नदी से निकाला गया है। सरहिंद नहर, बी बीस्ट दुआब नहर, सी एडन नहर या फिर डी ईस्टर्न ग्रे नहर। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, ए सरहिंद नहर,
बी बिस्ट द्वाब नहर, सी एडन नहर या फिर डी ईस्टर्न ग्रे नहर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो एडन नहर जो है वो दामोदर नदी से निकला है। एडन नहर कौन सा? एडन नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपके पास ऑप्शन है ए अरबी भाषा से, बी स्पेनिश भाषा से, सी हिंदी भाषा से, डी जंगल भाषा से। तो आपके पास ऑप्शन है ए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मुझे मालूम है। तो चलिए तो पर भी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। किससे? अरबी भाषा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित है? ए कपूरथला, बी बंगलुरु, सी पेरम्बूर या डी वाराणसी। तो चलिए ये भी आंसर सभी लोग को पता ही होगा आई थिंक। चलिए इसका आंसर जो है वो है दोस्तों वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या फिर डी अंटार्कटिका महासागर। सबसे कह रहा है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या फिर डी अंटार्कटिका महासागर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का जो है जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। किसका? प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? ए एम्स्टर्डम, बी रोम, सी एथेंस या डी वेनिस। ऑप्शन फिर से एक बार देख लीजिए, ए एम्स्टर्डम, बी रोम, सी एथेंस या फिर डी वेनिस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। शहरों का शहर कहलाता है वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। किसको? वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में वो है पॉलिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आर्टिकल ए है ऑप्शन आपके पास आर्टिकल 52, बी ऑप्शन आर्टिकल 54, सी आर्टिकल 55 या फिर डी आर्टिकल 57। फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 54, सी आर्टिकल 55 या फिर डी आर्टिकल 57। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 57 है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, आर्टिकल 57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस आर्टिकल में वर्णित है? ए आर्टिकल 41, बी आर्टिकल 43, सी आर्टिकल 44 या फिर डी आर्टिकल 51। फिर भी एक बार देख लीजिए ऑप्शन, ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44 या फिर डी अनुच्छेद 51। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर जो होगा इसका आपको अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 में जो है काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में वर्णित है।
आर्टिकल 41 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी विधि आयोग द्वारा, सी संसद द्वारा, या फिर डी मंत्रिमंडल द्वारा। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, या फिर डी मंत्रिमंडल द्वारा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों संसद द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन हम डालते हैं तो देख सकते हैं। मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। ऑप्शन है आपके पास 1 अप्रैल 1957, 1 जून 1964, सी 1 अप्रैल 1965, या फिर डी 2 अक्टूबर 1961। इसका आंसर बताइए। कह रहा है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1957, बी ऑप्शन है 1 जून 1964, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1965, या फिर डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1961। तो चलिए इसका आंसर जो है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों 1 जून 1964 को जो है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा पैसा हो गया था, ठीक है, 1 जून 1964 को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कारगर हो हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों जो सभी को मिले। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।